नमस्कार, आप देख रहे हैं दशक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। और आइए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। अररिया जिले के कुवारी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा दो व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल से नेपाली शराब के साथ पकड़ा गया था। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को जब्त शराब व बाइक के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु अररिया लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में कुवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत धड़ीपार में दोनों व्यक्तियों ने गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा दोनों जख्मियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्साकांटा ले जाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा एक घायल को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक की देखरेख में घायल व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल को संरक्षित करवाते हुए FSL व DIU की टीम मौके पर कैप कर रही है। वहीं मृतक की पहचान फारविसगंज प्रखंड क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 निवासी कार्तिक पूर्व के 17 वर्षीय पुत्र पवन कुमार के रूप में की जा रही है, जबकि दूसरे घायल की पहचान फारविसगंज बंगाली टोला निवासी सफी आलम के पुत्र हामिद आलम के रूप में की जा रही है। वही मृतक पवन कुमार के शव का पोस्टमार्टम नियमानुसार मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराया जा रहा है। वही इस मामले को लेकर अररिया SP कार्यालय से प्रेस रिलीज कर जानकारी देते हुए बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन कर उक्त घटनाक्रम की सूक्ष्मता से जांच कराई जा रही है। उक्त घटनाक्रम में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी व कर्मी के विरुद्ध दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। उत्पाद अधीक्षक निरंजन कुमार झा ने बताया कि इस मामले की गंभीरता से हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है, दोषी कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आए थे तभी आप अभी काम करवाओ बच्चे जितना तुम बोले हो ना, ठीक है, इधर आओ। ये अररिया उत्पाद के द्वारा कल शाम में जो कुंवारी ओपी के आसपास में उत्पाद चौक की वहाँ पर एक बाइक के साथ दो व्यक्ति को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया था, और उन दोनों को लाने के क्रम में जो दोनों व्यक्ति थे वो गाड़ी से स्कॉर्पियो से कूद गए, जिसमें एक काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, पवन पूर्वे जो फारविसगंज के रहने वाले हैं, चिकित्सा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, और एक जो अन्य घायल थे इमरान, उसकी स्थिति ठीक है और सुबह तक बेहोश था, अभी सामान्य है और चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि उसकी स्थिति सामान्य है। जो मृतक हैं उनके परिजन को गिरफ्तारी की सूचना रात में ही दी गई थी, और मृत्यु होने के पश्चात इसकी सूचना उनके परिजनों को दी गई है। उनके परिजन आ रहे हैं और उनके सहयोग एवं उनके समक्ष जो मृतक है उसका हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे और तत्पश्चात अगर तक कार्रवाई की।